तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखोगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन दिया हुआ है, वन डी मोशन कोई हो रहा होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कहता है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, तो एक्स की वैल्यू ही निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हुई होगी, तो हमें तो पता ही नहीं है कि वेलोसिटी जीरो कब हुई। तो एक काम करते हैं, पहले वो टाइम निकाल लेते हैं जब वेलोसिटी जीरो है, टाइम निकाल लो जब वेलोसिटी जीरो हुई है, समझ रहे ना। तो इस इक्वेशन से मैं बड़े आराम से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मैं टी का स्क्वायर कर देता हूँ, तो नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर इसको आसान तरीके से मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए लॉजिक क्या आएगा बोलो। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टी माइनस थ्री लिख सकता हूँ और रूट एक्स लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो इधर एक्स बनेगा, इधर टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मतलब ये टी स्क्वायर प्लस नाइन और माइनस सिक्स टी बनेगा। तो जो वेलोसिटी आएगी डी एक्स ओवर डी टी, एक बार इसका डेरीवेटिव ले लो तो यह आ जाएगा टू टी माइनस सिक्स। तो अब हमें निकालना है टाइम, जब वेलोसिटी जीरो होगी उस वक्त टाइम कितना होगा, तो टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टू टी इज इक्वल टू सिक्स, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद जो है वो वेलोसिटी जीरो हुई है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसमें रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पे रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी का स्क्वायर, मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन और माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 और ये माइनस 18 आ जाएगा, तो ये 9 18 और माइनस 18, तो कुल मिला के ये कट कुट के जीरो आ जाएगा। मतलब जहाँ से पार्टिकल चला था वहीं पे वापस आ गया घूम के, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। तो इसका 3 सेकेंड बाद जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ यहाँ, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, दैट इज डी ऑप्शन अपना सही है, जीरो किसी में भी नहीं है, ये और ये कोई भी ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है। थैंक यू।